खबर छुपी लाइव आपकी खबर तेज सा। गोरखपुर लखनऊ फोर लेन पर बस्ती के हरैया थाने के बेहरा चौराहे के पास बीती रात एक ट्रक ने 5 मजदूरों को रौंद दिया। सभी पैदल ही काम से लौट रहे थे। हादसे में घायल 3 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि बाकी दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घायलों को सीएससी कप्तानगंज भेजा। यहां से डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धर्म सिंहपुर महाराजगंज कस्बे के कुछ मजदूर पल्लेदारी के लिए हसीनाबाद पे गौलिया गए थे। देर रात काम निपटाने के बाद ट्रक पर सवार होकर लौटे थे। इतने में थोड़ा बहुत बात कहानी हो गई। बस हम लोग पैदल आ गए, बस यहाँ रास्ते में बस हादसा और बाकी नहीं जाने से। आप लोग ट्रक के अंदर थे? ट्रक के अंदर नहीं, हम पैदल आए थे सैनिक होटल के सामने। सैनिक होटल से हम पीछे से टक्कर मारे। और ट्रक ड्राइवर कहाँ गया? ट्रक ड्राइवर बस ठीक था सर, भाग गया। भाग गया। कहाँ की है घटना? ये महाराजगंज की है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कितने लोग और घायल हुए हैं? हम दो लोग घायल हैं, 3 लोग खत्म हो गए। 3 लोग एक्सपायर हो गए सर। वो कहाँ के थे? वो एक ही गांव के थे, धर्म सिंहपुर का महाराज। पांच आदमी थे, मोटर पे चालक है, वहाँ से आ रहे थे। अब ये नहीं पता कौन ट्रक मारा, कैसे मारा, हमको जरूरत हो गया कुछ समझ में आया कैसे हुआ है। कितने लोग और थे? 5। उनकी हालत कैसी है? 3 लोग एक्सपायर हो गए। खाली पे तो आपकी गंभीर हालत है। क्या नाम है आपका? जी पाँच 6 लोग गए काम करने, तो काम करके वापस आ रहे थे 11:30 बजे। और यहाँ महाराजगंज पुलिस चौकी के पास वहाँ पे ट्रक टक्कर मार दिया। 3 लोग आना इस बार खत्म हो गए मौके पे। ये दोनों बच्चे गंभीर हालत में, तो पता चला तब गांव वाले पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंचा, उन 3 लोग को लाद कर लेकर आया, इन लोगों को लेकर आया, उन लोगों को लेकर के मतलब वापस चले गए। डॉक्टर क्या बताया, हालत कैसी है? अब हालत तो यही है, देखिए गंभीर हालत है। कौन है परिजन के आप? हम उनके चाचा हैं। क्या नाम है आपका? वासुदेव। आ रहे थे वहाँ काम करके, उसके बाद आए एक होटल पे खाना खाने के लिए सब लोग। तो वहाँ पर वो ट्रक वाला बोला कि अब जाओ, मैं नहीं ले जा सकता। उसके बाद थोड़ा वहाँ पर बात बात हुई, उसके बाद ये सब पैदल आ रहे थे, पीछे से टक्कर मार दिया उसी ने। कितने लोग पैदल आ रहे थे? 5 लोग। 5 लोग थे? 5 लोग। अच्छा, हालत कैसी है सबकी? 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं, 2 गंभीर हैं। आप परिजन के कौन हैं? उनके छोटे भाई हैं। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। संसारीपुर के पास एक ढाबे पर ट्रक ड्राइवर से हुए विवाद के बाद सभी मजदूर पैदल ही गांव के लिए चल पड़े थे। महाराजगंज के करीब पहुंचने ही वाले थे कि तभी एक अनियंत्रित ट्रक 5 मजदूरों को रौंदते हुए फरार हो गया, जिसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर हरैया थाना अध्यक्ष सर्वेश राय मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएससी कप्तानगंज भेजा। रात में जो केसेस आए उसमें 3 लॉट डेड थे, उनको मॉर्चरी में पुलिस के द्वारा भेज दिया गया था। 2 मरीज को भर्ती किया गया है, उसमें हेड इंजरी थी, उनको
उचित इलाज यहाँ किया जा रहा है और उसका जांच और इलाज निःशुल्क। पेशेंट कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये विकास सन ऑफ राजू जो है धर्म सिंहपुर महाराजगंज कप्तानगंज बस्ती से दोनों हैं और तीन जिसकी डेथ हुई है उसकी जानकारी हमारे यहाँ नहीं तब पुलिस को प्राप्त होगा, पुलिस से प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य मरीज जो उमेश निचली मोहल्ला पुरानी बस्ती का था उसको भी रेफर किया गया है उचित इलाज के लिए। मृतकों की पहचान लल्लन 26 वर्ष पुत्र तुलसीराम, गुड्डू पुत्र जनकराम, कनिकराम पुत्र छोटाई के रूप में हुई है। घायल विकास पुत्र राजू व जंग बहादुर पुत्र बिफाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।